किसानों का आंदोलन है तो दूसरी तरफ कोरोना महामारी। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर दो आईपीएस अधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। कोरोना जांच के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन तैनात कर दी गई है, जिसके जरिए कोई भी कोरोना टेस्ट करवा सकता है। लेकिन कई किसान ऐसे हैं जो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि कोरोना कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, बल्कि सिर्फ हवा है। न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना काल में किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन कोरोना न किसान देखता है न ही आंदोलन। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर तैनात दिल्ली पुलिस के डीसीपी और एडिशनल डीसीपी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और कई पुलिस कर्मियों की तबीयत खराब है। इसके बावजूद भी लापरवाही हद दर्जे की है। आंदोलनकारी मास्क पहनने से परहेज कर रहे हैं। किसानों को बताया गया है कि कोरोना भी सरकार की तरफ से फैलाया गया झूठ है, कोरोना कुछ नहीं है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। मैडम, हमें लगता नहीं कि ऐसी बीमारी कोई है। हमें, हमारा इम्यूनिटी पावर इतना स्ट्रॉन्ग है, हमारे साथ पॉजिटिव है, तो हमें तो लगता नहीं कभी। वही रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, वही रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। कहाँ से आए जी? हम जयपुर से आए हैं। जयपुर में कोरोना ही है कोरोना, पर हमें तो जो हमारे साथ के हैं उनकी रिपोर्ट हमने देखी है, किसी की पॉजिटिव है उसी की नेगेटिव आ रही है दोबारा। समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं है ये। हम पूछ रहे हैं, अगर गवर्नमेंट को लगता है, अगर उनकी प्रजा है उस राजा की, तो उसको टेस्ट करवाना चाहिए। मास्क वैसे लगाना चाहिए था मुझे, ये भूल है, मास्क लाया हूँ, लगा लूंगा, ये सुरक्षा जरूरी है। आप प्रदर्शन तो कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, ये आपका हक है। हाँ। लेकिन सुरक्षा मायने रखती है ना डॉक्टर? जी रखती है, बिल्कुल मायने रखती है। कोरोना कोई है ही नहीं, हम जाने ही ना कोरोना। ये प्रदर्शनकारी यूपी गेट पर धरना दे रहे हैं। यहाँ सैकड़ों किसान जमे हुए हैं। किसी को खांसी है तो कोई बुखार की चपेट में है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं कि कोरोना उन पर हमला कर सकता है। जुकाम फुकाम ना, ये तो खांसी हो गई है तुम। अच्छा, खांसी की दवा लेने आया? हाँ हाँ, खांसी ना जा, यहाँ रह रहे हैं, रात को जाग गए तो खांसी और वो हो जाएगा। आगे यहाँ पे तब से गला खराब हो गया, बीमार। हाँ हाँ जी, खांसी जुकाम। हाँ, खांसी जुकाम होगी, छाती जाम होगी ठंड में। और बुखार है? बुखार इस टाइम नहीं है। महामारी के खतरे को देखते हुए सिंधु बॉर्डर पर मोबाइल कोरोना टेस्टिंग वैन तैनात कर दी गई है। इस मोबाइल वैन के जरिए एंटीजन और आरटीपीसीआर दोनों तरह के टेस्ट हो रहे हैं। रोजाना 200 लोगों का टेस्ट करने का टारगेट रखा गया है। यहाँ पे कोरोना टेस्ट की एक सुविधा यहाँ पे दी गई है। डीएम नॉर्थ की तरफ से ये मोबाइल वैन यहाँ पे लगाया गया है, और जो भी पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात हैं, जो भी आम व्यक्ति यहाँ पे, अगर उनको लगता है कि कोई किसी भी प्रकार के लक्षण हैं उनके अंदर, तो वो आके यहाँ पे टेस्ट करवा सकते हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों के बीच मेडिकल कैंप भी लगाए गए, जहाँ डॉक्टर दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं। दवाइयों का भी पूरा इंतजाम है। यहाँ तैनात डॉक्टर जिन लोगों में कोरोना के सिम्टम देखते हैं, ऐसे लोगों को फौरन एम्बुलेंस के जरिए कोरोना टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। खतरा तो हो ही सकता है। मास्क अभी हमने चाय पीने के लिए अभी निकाला है, सारा दिन पहनना पड़ता है। अभी अगर हमको लगता है तो हम भेजते हैं उनको कि किसी सरकारी इधर कोई भी हॉस्पिटल है जहाँ डिस्पेंसरी है, उधर कोविड टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि हमारे टेस्ट करवा रहे। हाँ, टेस्ट करवा रहे हैं, भेज रहे हैं। हमको जो कोई भी सिम्टम नज़र आता है, हमें एम्बुलेंस है जो क्वारंटाइन करके फिर हॉस्पिटल भेज देते हैं। एक एम्बुलेंस हमारी इनके साथ पक्की है जो पेशेंट हॉस्पिटल भी भेजती है नॉर्मल। ऐसे कुछ पेशेंट आए हैं जिन्हें कोई सिम्टम लगा? मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आया। विरोध जताना न सिर्फ किसानों का बल्कि आम जनता का भी हक है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों में कोरोना फैला तो नुकसान आंदोलनकारियों का ही होगा। ऐसे में लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना चाहिए। दीक्षा पांडे के साथ अभय पराशर और भास्कर मिश्रा की रिपोर्ट।